बिहार में दिन दहाड़े पत्रकार की हत्या, लॉ एंड ऑर्डर पर सियासी घमासान, कौन सच्चा कौन झूठा। हम बिहारी ने तो अब आपसे उम्मीद तक छोड़ दी। अपराधी घटना घट रही है, कौन कर रहा है, कितना कम है, जरा फिगर तो देखिए। इन दिनों बिहार में अपराधियों के हौसले सातवें आसमान पर है। पूरे बिहार में हत्या और आपराधिक मामलों में लगातार इजाफा हुआ है। बीते दिनों मुजफ्फरपुर में व्यवसायी आशुतोष शाही की हत्या हो गई थी, तो वहीं 15 अगस्त के दिन समस्तीपुर के मोहनपुर ओपी प्रभारी नंद किशोर यादव को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं आज सुबह अपराधियों ने अररिया में एक दैनिक अखबार के पत्रकार को गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद विपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि गोलियों का शिकार आम इंसान हो रहा है, कौन जिम्मेवार है। तो वहीं चिराग पासवान ने भी नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये लोग पुलिस और पत्रकारों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, तो आम बिहारी को कैसे सुरक्षित रख पाएंगे। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, थके हारे और हताश निराश, जब जंगल राज को वो जनता राज बताने लगे, वो जंगल राज के पुरोधा जो गुंडा राज स्थापित करने का संकल्प लेकर आया है, अपराध भ्रष्टाचार के लिए चरम पर वो मिशन कर चला रहा है, आज अपराध की आंकड़ा घटेगा नहीं। थाने को आपने मना कर दिया, थाना केस नहीं लेता है, जो केस करने जाता है उस पर काउंटर केस कराता है। हर दिन इतनी घटनाएं घटित हो रही है, 5000 से ज्यादा लोगों को गोलियों का शिकार होना पड़ रहा है। आज तो हद हो गई अररिया के अंदर, आज देखिए दरोगा को मारा गया, पशु तस्कर के पत्रकार को मारा गया। अभी ही जस्ट फोन आया है कि एक पत्रकार को गोली मार दिया, उसकी मृत्यु हो गई। व्यापारियों को, स्वर्णकारों को, आम लोगों को हर दिन गोली मारी जा रही है। मुख्यमंत्री जी, आपने कहा था जो पिएगा सो मरेंगे, लेकिन आपको विवश कर दिया भारतीय जनता पार्टी कि जो पिएगा उसकी सजा सरकार को भुगतनी है और मुआवजा देना होगा। देर से ही सही आपने मुआवजा दिया, आत्मा में जगा उस अनाथ बच्चे और विधवा कि हाय इस सरकार को जरूर लगेगी, अभी भी नहीं मिल रहा। अब आपको इसकी जवाब देनी होगी कि गृह विभाग आपके जिम्मे है, गोलियों का शिकार आम इंसान हो रहा है, कौन जिम्मेवार है। पद नहीं संभलता है तो इस्तीफा देना चाहिए, दूसरे को गृह विभाग देना चाहिए। लोकतंत्र के स्तंभ को ये लोग सुरक्षित नहीं रख पा रहे, अपने पुलिस के अधिकारियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे, पत्रकार जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, पत्रकारों की हत्या हो रही है हमारे राज्य में। जिस तरीके से अररिया में, रानीगंज में, वहां पर जिस तरीके से विमल कुमार यादव जी की आज सुबह उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, आपके राज्य में पत्रकार सुरक्षित नहीं है मुख्यमंत्री जी, आपके राज्य में पुलिस के अधिकारी सुरक्षित नहीं है, तो आम बिहारी तो बहुत दूर की बात है भाई। आम बिहारी ने तो अब आपसे उम्मीद तक छोड़ दी है। जितनी हत्याओं पे अब हम जाते हैं, वहाँ के लोग खुद रोते हैं, खुद अपने आंसू पोंछ लेते हैं, मांग तक उन्होंने रखना छोड़ दिया कि भैया क्या मांग रखेंगे। पत्रकार हत्या मामले पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सफाई देते हुए कहा कि ये दुखद है, हमें जैसे जानकारी मिली हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द मामले की जाँच करें। अररिया में एक पत्रकार की हत्या हो गई है सर, गोली मार पत्रकार को गोली मारना है अखबार की दुख की बात हो तो देख रहा है, कोई किसी के बारे में हुआ है, अभी एक न्यूज आया तुरंत हमने अधिकारियों को कह दिया कि क्या हुआ है जी, इस तरह से हुआ, हमको बड़ा दुख हुआ। हम यहाँ आने के पहले देखे हैं न्यूज, तो हमको लगा कि भाई कैसे किसी पत्रकार का हुआ, तो हमने तुरंत अधिकारियों को कहा इसको देखिए, और मुझे बहुत दुख हुआ कि कैसे किसी के हो गया, तो देख रहा है। और बिहार में वहीं जदयू और राजद ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि अपराध करने वाले कितने भी रसूखदार क्यों न हो, सरकार उनको बख्शने वाली नहीं है। लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। अररिया के रानीगंज में दैनिक जागरण के पत्रकार की जो हत्या हुई है,
इसके पूर्व इनके भाई की भी हत्या हो चुकी थी जो मुझे जानकारी दी गई। कल एक दिन पूर्व माननीय जो पत्रकार थे वो वहाँ के एसडीपीओ राम पुकार सिंह जी के साथ थे। दिन में उन्होंने कहीं से इस बात का अंदेशा व्यक्त नहीं किया था कि हमको कोई परेशानी है, चाहे हमारे ऊपर कोई थ्रेट है या सब कुछ है। प्रशासन को जो ही जानकारी मिली तो मुझे जो प्राप्त सूचना है, अब तक आधे घंटे पहले तक एक व्यक्ति की गिरफ्त को डिटेन किया जा चुका है। उस परिवार ने कोई भी अभी तक के आपराधिक मुकदमा दायर नहीं किया है और जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसके दबिश के आधार पर, सूचना के आधार पर वहाँ पर अभियुक्तों पर दबिश जो भी संभावित अभियुक्त है और वो कानून के गिरफ्त में जल्द से जल्द आएगी। सर बताया जा रहा है कि इस पत्रकार की जो है कल 19 तारीख को किसी मामले में गवाही होनी है। मुझे, मैं कह रहा हूँ एक दिन पूर्व की बात में बोल रहा हूँ, अगर गवाही होना था तो इस संबंध में सूचना तो उनको सूचना देते, वो सूचना देते प्रशासन को कि हमको सुरक्षा के लिए आवेदन देते या एसडीपीओ को बोलते। तो जो एसडीपीओ वहाँ अररिया राम पुकार सिंह, मैं नाम बता रहा हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि हमारे साथ वो थे, एक केस के अनुसंधान में गए थे, उन्होंने बाइट हमसे लिया और कहीं ये अंदेशा व्यक्त नहीं किया था कि हमारे साथ यह परेशानी है। लेकिन परेशानी तो बहुत बड़ी हो गई, दुखद घटना हो गई, तो प्रशासन को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं, उन्होंने नहीं दिया था। लेकिन अपराधी जो है वो कानून के गिरफ्त में जल्द से जल्द आ जाएगा, बोलने का कोई अधिकार नहीं। जहाँ तक आज अररिया में एक पत्रकार की हत्या हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसकी निंदा करता हूँ और मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि अपराध अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और जो लोग इस मामले में संलिप्त है उनके हर चीज़ों की जानकारी प्राप्त की जा रही है, सारे तथ्यों को इकट्ठा किया जा रहा है और वहाँ प्रशासन पूरी सक्रियता के साथ अपराधियों को चेस कर रही है। आप देखेंगे कि जल्द ही अपराधी गिरफ्त में होंगे, चाहे कितने बड़े रसूखदार क्यों ना हो, उनको हम बख्शते नहीं हैं। हमारा जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, हमारे सरकार की जो सुनवाई और कार्रवाई वाली नीति है, वो स्पष्ट रूप से दिख रही है। इसीलिए अपराध करने वाले बेचैनी में इस तरह का कोई कार्य कर जाते हैं ताकि सरकार और सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके। लेकिन इन लोग चाहे जितना भी दबाव बनाने का प्रयास करें, सरकार ऐसे लोगों को कभी ना बख्शी है ना बख्शने जा रही है। आपको बता दें कि विपक्षी नेताओं का अक्सर आरोप रहता है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद क्राइम ग्राफ में इजाफा हुआ है। वहीं इन दिनों कई ऐसे हाई प्रोफाइल मर्डर के मामले आए हैं जिनमें सरकार पर सवाल खड़े किए गए हैं। पंजाब के सिटी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।